नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम दिवस में और मैं आपका दोस्त ओंकार झा। मित्रों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि रीजनिंग का क्या इलाज है अगर हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लर्क वाले एग्जाम की। तो देखो, अगर मुझसे आप पूछो तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप देखो दो पहले कैटेगरी में बांटते हैं अपने आप को, ठीक है, दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। कैटेगरी पहली कौन सी है, जिसको केवल ये एग्जाम निकालना है, ठीक है। भी अगर कोई केवल केवल आपको अगर यही एग्जाम निकालना है, ठीक है, केवल यही एग्जाम निकालना है आपको, तो उसके लिए आपके अलग स्ट्रेटजी होगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इसके बाद भी आपके सपने थोड़े से बड़े हैं, या फिर आप चाहते हो कि बदलते रहे जॉब फ्यूचर में, तो उसके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, पेपर होगा सितंबर के अंत में या अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में, जो अभी तक सुगबुगाहट है। तो हमारा काम यहाँ पे क्या बनता है, हमारा काम ये बनता है कि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही मजबूती से प्रिपेयर करें। ये ध्यान रखना कि पास केवल वही बच्चा होगा जो अभी से लेके उस एग्जाम की डेट तक बिल्कुल सीरियस रहेगा। कुछ महानुभाव उठेंगे अभी 15 सितंबर के बाद, ओहो, सब पढ़ देंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पास केवल वही होगा, रिजल्ट उसी का आएगा जो हर दिन पढ़ाई करेगा इस एग्जाम को टारगेट करके, ठीक है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता और मेरा टारगेट होता केवल इस एग्जाम को निकालने का, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं कोई कोर्स लेता। अब देखो, मैं बोलूंगा कोर्स कौन सा लेना है, सीधी बात बता रहा हूँ, दुनिया भर में मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मगर सब जानते हैं ये बात कि टेलीग्राम है, टेलीग्राम है, हर एक टीचर का चोरी का कंटेंट वहां पे बिक रहा है 200 250 300 में। तो आप वहां पे किसी से भी ले लीजिए और उससे आप टॉपिक बाई टॉपिक, जो जो टॉपिक है मेन मेन, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये कब है, जब आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, ये तब है। यानी टेलीग्राम पे आप जाइए, मैं ये नहीं बोला किसी भी टीचर का पेड कोर्स लीजिए, नहीं, जो उस टीचर ने पढ़ा रखा है आज से दो दो ढाई साल पहले, वो सब आपको ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चोरी का, पायरेटेड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, ये अच्छी बात नहीं है, बट गरीबों का यही सहारा है। और इवन इवन टीचरों को भी ये बात पता होती है कि पायरेटेड वीडियो बिकती है, ठीक है, तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। केवल जिसको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं भैया आपको क्लियर एक बात बता दूं, जिसको केवल इस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप कुछ मत करो, डेली आप डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करो। बेशक आपको कुछ नहीं आता, आपने आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी, रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 में 10 सही होगा, एक दिन 20 सही होगा, एक दिन 30 होगा, एक दिन 32 होगा, ऐसे करते करते एक दिन आप 40+ के सिनेरियो में आ जाएंगे, समझ गए बात। और वो आपका 80% एक्यूरेसी आपको बना के देता है, और 80% अगर एक्यूरेसी है तो बाकी 20% क्वेश्चन में तुक्का लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर आप मेरे पूरे बात का अगर आप एक क्रक्स निकालना चाहे, तो आज की बात का क्रक्स केवल इतना है, अगर आपको रीजनिंग केवल इस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने रीजनिंग कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप केवल मोक लगाएं, मोक लगा के देखें कि किस टॉपिक की आपको हवा भी नहीं लग रही। बहुत सारे टॉपिक तो आपको देख के समझ में आ जाएंगे, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तो आपने बहुत सारी चीजें सॉल्व करी है, 99% फेल ये जवाब देने में, तो वैसे ही क्वेश्चन वहां भी आते हैं, ठीक है, तो आराम से पास हो जाएंगे आप। बट आपको बस अपनी कमजोरियों पे काम करना है, रोज आप टेस्ट लगाइए रीजनिंग का, और जिन टॉपिक्स में कमजोरी है आपकी उसको बेशक से आप कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। आप देखिए, एक होता है कि आपसे सिली मिस्टेक हो गई, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक होता है कि आपको हवा ही नहीं लगी कि एक्चुअली उस क्वेश्चन में कहा क्या गया था, या उस क्वेश्चन उस तरह के वेरियंट में क्या कहा जाता है, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को अलग से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, सिंपल शॉर्ट बात है। तो आई थिंक सो कि आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। और
एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए कुछ लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आता। एक कह रहा है कि एक कह रहा है भाई आपने कटअप गलत बताई थी, एक कह रहा है तू निकाल देगा क्या एग्जाम। यार देखो मैं निकाल लूंगा नहीं निकाल लूंगा, इस बात का कोई मतलब रह गया है क्या? जब मैंने एग्जाम भरा ही नहीं है तो मेरे निकालने ना निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मैं उन भाई से ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप पुरानी अचीवमेंट्स देखिए मेरी, ठीक है? होता है कई बार आदमी, देखिए सीधी सी बात है, मैं किसी भी बेरोजगार कम्युनिटी का मजाक नहीं उड़ाया, मैं भी था आज से भी 1 साल पहले, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूँ बेरोजगारी में फ्रस्ट्रेशन आती है और वो निकलती है, तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी कई बार करते हैं, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों से बचे, ठीक है? और उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि दे कि वो अच्छे राह पे चले। आप भी भाई सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है? आप भी मेरी तरह चैनल बनाइए, आप भी लोगों की मदद कीजिए। मैं यहाँ कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना अभी आने वाले फ्यूचर में कोई प्लान है पढ़ाने का। मेरा सिर्फ एक काम है एग्जाम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का कि एग्जाम में कैसे आपको क्या करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली ओएमआर कैसे भरी जाती है। शायद ओएमआर पे नहीं, ये तो शायद सीबीटी पे होगा, ठीक है? तो अब जैसे इसी बात को कोई बंदा पकड़ लेता है मेरे कि अरे इसको तो ये भी नहीं पता कि सीबीटी पे होगा या ओएमआर पे होगा। भाई मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है मैं जिस टॉपिक को मैं पढ़ता हूँ उस टॉपिक को मैं बंजर कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा बंदा जो पढ़ रहा है, जो मेरे कहे मुताबिक पढ़ रहा है, वो भी ये करे। 19-20 बातें मेरे मुंह से निकल गई होंगी कभी। मैं मानता हूँ मैंने कटअप 82 बताई थी, जबकि कटअप 82 नहीं, 82 हाईएस्ट थे, 81 कुछ नंबर वो हाईएस्ट थे। तो मुझे किसी ने बताया, मैंने बता दिया, फिर मैंने बाद में रिसर्च किया, मैंने उसके लिए अपोलॉजी भी डाली। बट उन चीजों को पकड़ के बैठना सल्यूशन नहीं है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिया हुआ है ना? कि साधु को सूप के समान होना चाहिए। सूप कौन सा? जिसमें फटकते हैं, है ना? जिसमें हम फटकते हैं गेहूं को या बाकी सारी चीजों को, तो उसमें क्या होता है, अच्छी चीजों को वहीं सूप में ले जाती है और जो गंदगी होती है उसे सूप से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इंसान को इस तरह होना चाहिए, ठीक है? तो अब जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, आप कुछ मत करें, पिछली 4-5 वीडियो देखें, आपको दिखाई देगा जीरो बकवास, जीरो हवाबाजी, कुछ नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, ठीक है? बीपीएससी हो, बिहार का और कोई एग्जाम हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी हो, जो जो एग्जाम पे मैं अपियर हुआ हूँ, पास हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इस एग्जाम में ये एग्जाम कुछ भी नहीं है, ये हंस के निकल जाएगा, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने दिया होता मैं दिन में 2 बार निकालता एग्जाम, ये वाले एग्जाम को, मैं सही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, इसका सिलेबस देख के मुझे ये लग रहा है, एक जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मत्था मारने की। सही दिशा में पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है? सही दिशा में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर हम दिशा की बात करें तो एक बात और कर ही लेते हैं, ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी हवाबाजी कर रहा हूँ आज, ठीक है? मान लीजिए एक बार मैंने और वीडियो में बताया, यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ नीचे तमिलनाडु है, ठीक है? आपको जाना है जम्मू कश्मीर, आप खड़े हो मान लो मध्य प्रदेश में, एमपी में खड़े हो। अब आप ऊपर की तरफ अगर एक बार चले गए, आपको जाना था कहाँ पे, आपको मान लो नीचे जाना था कहाँ, रामेश्वरम जाना था। अब आप एक बार ऊपर चले गए, अब आप कितनी ही तेज गाड़ी भगा लो क्या आप पहुंच पाओगे ऊपर? कभी भी आप क्या कहते हैं रामेश्वरम पहुंच पाओगे? नहीं, आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे, उससे ऊपर निकल जाओगे, आप मिडिल एशिया में पहुंच जाओगे, मगर आप कभी भी नीचे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने दिशा गलत चुनी। तो इसीलिए बहुत सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से गाइडेंस लेके पढ़ना जरूरी है। और अगर कोई मेरी तरह बंदा आपको फ्री में गाइड कर रहा है, मैं ही नहीं यार, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसकी कोई अपनी एक बिसात हो, जिसकी एक अपनी औकात हो बताने की, अगर वो बता रहा है तो आप उसकी बात को मानिए, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने नहीं बैठा यूट्यूब पे, ठीक है? बहुत सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, और लिटरली आप लोगों की कृपा से 700 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसका धन्यवाद। और ये जितनी मेरी मेहनत है उतने ही आपके एफर्ट से तभी ये चैनल ग्रो कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि इस परिवार को आप बढ़ाते रहें ऐसे ही, ताकि हम लोग और ज्यादा शिक्षा क्रांति लेके आए। मैं बताऊंगा यहाँ कुछ नहीं, मैं अभी आने वाले टाइम में टॉपर्स के इंटरव्यूज लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? और बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जिस जिस पोस्ट पे जो जो लोग सेलेक्टेड हैं उन सबको रूबरू करवाऊंगा इसी चैनल पे आपको, ठीक है? कि कैसा काम होता है, कई बार हम किसी जॉब के पीछे पड़े होते हैं, ठीक है? और वो जॉब आपके
हो सकता है कि वो आपके मतलब की जॉब ही ना हो, तो वो जॉब प्रोफाइल की भी बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, ठीक है?